प्रदेश के मिलके एक बड़ी रैली करें हर जगह जिस जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं, तो उस वो रैली हमारे यहाँ निर्धारित की गई है पानीपत में। पानीपत में सुबह 11 बजे का समय है, मॉर्निंग वॉक के बाद उस दिन दोपहर को कोई वॉक नहीं है। पानीपत में ये रैली की जाएगी, महारैली, आर पार की रैली, इसको कितनी बड़ी आप कह रहे, क्योंकि जो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिखाया, झलक दिखाई, उसको पूरी रूप में पानीपत की इस रैली के अंदर आप देख पाएंगे। उसके लिए हम आज कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। उसके बाद 6 को ये रैली पानीपत में, 7 को करनाल में चलेंगे, 7 की रात को करनाल शहर में याद रहता समाप्त होगी, 8 को करनाल से चल के थानेसर पहुंचेंगे, कुरुक्षेत्र जिसको कहते हैं, और थानेसर में शहर में 8 की रात को यात्रा समाप्त होगी, 9 को कुरुक्षेत्र से चल के और कुरुक्षेत्र में रहेंगे सारे दिन। एक ठोल गांव पड़ता है अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पे, ठोल गांव में वो यात्रा का विश्राम होगा, और 10 का एक दिन की छुट्टी रहेगी, अवकाश एक दिन बीच में रहता है, हफ्ते 10 दिन के बाद सभी यात्री एक घंटा रेस्ट लेते हैं, और 11 को वहीं से ठोल गांव में ही रहेंगे, अवकाश मतलब वहीं, और 10 को एक दिन का अवकाश के बाद 11 तारीख को वहां से चल के वाया अम्बाला जो है 11 तारीख को ठोल गांव कुरुक्षेत्र से चल के वाया अम्बाला पंजाब रात तक पंजाब शंभू बॉर्डर पर हम पहुंच जाएंगे। ये शेड्यूल है, यानी कि कुल मिलाकर 5 से लेकर 11 तक 6 दिन का शेड्यूल है हरियाणा में, दोबारा इसमें एक दिन की छुट्टी है और एक दिन की रैली है। आज हम उसकी तैयारी के लिए बैठक है। हरियाणा में जो इतना समर्थन मिला, आप सवाल पूछो उससे पहले हम बता दें, ये हम मानते हैं कि ये प्रतीक इस बात का है कि राहुल गांधी जी की इस जो तपस्या है, जो ये मेहनत कर रहे हैं, एक सच्ची सही नीयत से उनका ये प्रयास है, उसको लेकर लोगों के मन में सहानुभूति राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ी है। और दूसरा, हरियाणा में लोग मौजूदा बीजेपी और जेजेपी सरकार से पूरी तरह पूर्ण तरह से तंग आ चुके हैं। जो इनकी नीतियां हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी देश में, बेइंतहा महंगाई, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, घर का बजट बढ़ गया, बेरोजगारी, महंगाई, बेइंतहा भ्रष्टाचार, जेजेपी और बीजेपी ने जो महकमे बांट के आपस में लूट मचाई प्रदेश में, और भेदभाव, जाति धर्म भाषा का भेदभाव, ये जो नीतियां रही हैं जेजेपी और बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में, इन नीतियों से भी हरियाणा की जनता का मोह भंग हो चुका है, पूरी तरह तंग है, और हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लोग आशा भरी नजर से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। इस बात का भी प्रतीक है जो लोग इतने उमड़ के आए, तो हम लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। बाकी आपको कोई प्रश्न हो तो हम उनके यहाँ पूछते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है हरियाणा में, जब भी देखे बीजेपी के लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ लो, तो हरियाणा में कांग्रेस की ये जो है, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे लिए कहने कुछ है नहीं, 2-3 बातें कहेंगे बीजेपी वाले। मैं पहले ही जवाब दे दूं कि भाई कांग्रेस को जोड़ो, संगठन नहीं है, जो है मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों कांग्रेस की चिंता छोड़ो और आप भी भारत जोड़ो, क्योंकि कांग्रेस एक है। अगर कहीं फूट है इस प्रदेश में तो वो बीजेपी में फूट नजर आती है। आदमपुर चुनाव में आपने देखा, राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं आए, केंद्रीय मंत्री हैं एक दिन आ जाते, किशन पाल गुर्जर जी क्यों नहीं आए, सांसद अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए, सांसद अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं बार बार मुख्यमंत्री जी ऐसे है कि मुख्यमंत्री जी में समझ की कमी है। तो ये क्या कारण है कि भाजपा के सांसद इतने बुखर होके, और कितने विधायक कितने सांसद आए हैं आदमपुर चुनाव में, तो कांग्रेस एकजुट है, बीजेपी क्या कहेगी। हमारे संकल्प है भारत जोड़ो के लिए, हमारे हरियाणा के संकल्प मैं बताता हूँ आपको, उनके बारे में बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। क्या संकल्प है? नफरत से प्यार को जोड़ो, भारत जोड़ो, बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हमारा संकल्प है हर गांव हर शहर को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस सरकार में हुड्डा सरकार में देखा गया था, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है किसान को MSP की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, यानी गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे का मकान, पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जो 1,82,000 पद पक्की नौकरी जो है समाप्त कर रहे हैं, या तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या कच्ची लगा रहे हैं कौशल में, तो 1,82,000 पद नौजवान को
रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो।